गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पार्थ जा रहा है स्कूल। गुड मॉर्निंग, रेडी हो चुका है, इसका टिफिन रेडी हो गया है। अभी आपको दिखाती हूँ किचन में। ये रहे आपके जीजू। गुड मॉर्निंग। तो ये जा रहे हैं इसको स्कूल छोड़ने। बाय पार्थ, बाय एंड हैव अ गुड डे बेटे। सेम टू यू। हाँ, पता है मेरे को किसने बोला था कि पार्थ जब भी, हाँ रिचा मासी ने, कि हम लोग घर में वीडियो देखते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही पार्थ स्क्रीन में आता है अपने बाल ठीक करने शुरू कर देता है। इतनी अच्छी आती है कि इसको क्या हुआ, वो है कि हर टाइम कहती वेन एवर ही इज एंटरिंग द अपने बाल ही ठीक कर रहा होता है। ये मेरे बाल मतलब कब खराब हो जाते हैं फिर वहीं रह जाते हैं, ठीक करने पड़ते हैं। हाँ मुझे पता है ना, मासी को नहीं पता, बचपन से इसका कटोरा कट था बाय डिफॉल्ट। मैं चेंज किया, हाथ मार मार के। बाय। चलो जी, किचन समेट दें। बना लिया है मैंने नाश्ते के लिए मसाला बैंगन आलू, और लंच के लिए बनाए हैं मैंने सफ़ेद छोले। तो इसको मैं निकाल देती हूँ कैसेरोल में। हेलो जी, तो नाश्ता वाश्ता सब हो गया, हम लोग फ्री हो गए, और आपकी जीजू का ऑफिस शुरू हो गया था। वो ऑफिस कर रहे थे और मैं लगातार एडिटिंग कर रही थी। मैंने दो ब्लॉग्स, तीन ब्लॉग्स एडिट कर दिए। उसके बाद मैं चाइना वाली न्यूज़ सुन रही थी, ताइवान पेलोसीज विजिट। ये रहे आपके जीजू। अभी ये सफ़ेद हो रहा है तुम्हारा रूम, क्या बात है? इधर रोशनी को मैं ये कह रहा था, आज मैं तुम्हें एक मौका दूंगा अपने टैलेंट दिखाने का। क्या पजामा फिर से थोड़ा सा फट के यहाँ तो करना है। ये भी कोई टैलेंट है और क्या, ये तुम्हारा टैलेंट है? हट जाओ तुम। क्या बता रही थी यार, पकड़ लो मेरा हाथ दुख रहा है, बड़े खराब हो। सो गाइस, मेरी मॉम को अभी भी थोड़ी बर्निंग है यूरिन में, तो उसके लिए मेरी भाभी हैं, कज़न भाभी, उनका रात को फ़ोन आया था। तो वो मुझे बता रही थी कि प्रिया, सब्जा यानी बेजिल सीड्स, तुलसी के बीज सब्जा होता है ना, ये देखो, ये जो है आप अपनी मम्मी को दो, सुबह और शाम पानी में भिगो के 15-15 मिनट रख के फिर वो उसको पिए, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सुपर इफेक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में। जुबान लटकाने लगती है मेरे सामने, बुब चिट बुब बुब करने लगती है। क्या है, ढंग से बोलो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें क्या है, डरना नहीं है तुम्हें? तुम्हें कहीं मैं कहीं और ना लगा दूँ तो यूटीआई आपके जीजू को भी रहता है, मतलब यूटीआई नहीं रहता है, इनको भी स्टोन की वजह से बर्निंग रहती है यूरिनेशन में। उसकी तार के पर बैठी हुई है यार, कम ऑन। ओहो, उठा दो। ये कैसे हो गया? समझ गया, अंगद का पवन तार पिचकारी तुम्हें। इग्नोर। तो सब्जा मैंने फिर, भाभी का जब फ़ोन आया था रात को, तो मैंने उसी टाइम अमेज़ॉन से सब्जा ऑर्डर करके मम्मी के घर भिजवा दिया। आज मम्मी को मिल भी जाएगा, लेकिन मेरे घर पे तो पड़ा हुआ था, तो मैंने मोहित को बताया, कहते हैं लाओ हाथ कंगन को आरती, क्या मैं अभी पीता हूँ। इन्होंने रात को सब्जा पिया, भिगो के अभी सुबह पिया, फर्स्ट रात को जैसे ही पिया इन्होंने, उसके बाद यूरिन गए, तो उन्होंने बोला प्रिया मेरी तो बर्निंग नहीं हुई। मैंने कहा क्या बात है, मतलब ये इतना इफेक्टिव है। भाभी बोल रही थी कि बहुत सीवियर से सीवियर यूरिन इन्फेक्शन भी ठीक कर देता है, और उनके फैमिली में किसी को हुआ था, तो सब्जा लेने के बाद अगले दिन रिपोर्ट में इन्फेक्शन बहुत ही कम आया था। माय गॉड गाइस, दिस इज़ दैट गुड। तुलसी के बीज, बेजिल सीड्स इन इंग्लिश एंड हिंदी में सब्जा बोलते हैं हम लोग इसको। ये काले काले से बीज हैं, इसको बस पानी में थोड़ा देर डालो, 5-10 मिनट में ही फूल जाते हैं। किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हो आप, अपनी पुडिंग में, योगर्ट में, कर्ड में, ऐसे ही पानी में डाल के, अपनी किसी कोल्ड ड्रिंक में, कुछ भी। तो ये खाओ, तो अब आपके जीजू भी ये खा रहे हैं। इतनी जल्दी डॉक्टर बन जाती है ना, एक मिनट लगा दिया, डॉक्टर क्या बन जाते हैं, और कोई चीज़ काम करे तो वो दूसरा शेयर करनी चाहिए, शायद किसी और का भी भला हो जाए। कुकिंग चैनल है, इस वजह से ये भी बताने लगते हैं, इस डिश में बना लो, उस डिश में डाल दो, ये क्या बात है। मल्टी टैलेंटेड वाइफ यू हैव, यू नो, यू दैट लकी। आई एम दैट लकी यू नो है ना, इतना लक एक साथ तुम्हें मिल गया कि तुमसे संभल नहीं रहा। इतना लक मिल गया मुझे एक साथ, संभल तो गाइज, अगर आपको भी किसी को प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, या ब्लैडर यूट्रस में कुछ भी इन्फेक्शन है, या आपको किडनी स्टोन्स हैं, किडनी का इन्फेक्शन है, तो सब्जा इज़ नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ नेचुरल हर्ब, आप कोई भी खा सकता है इसको। वेट लॉस में हेल्प करता है, मैंने तो इसलिए मंगा रखा था पैकेट,
क्या बोलो अब तुम, प्लीज डॉक्टर से भी कंसल्ट करें हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। ये कोई दवाई नहीं है, सिर्फ मैडम मैडम की कंसल्टेशन से काम ना चलाएं। कितने जेलस आदमी हो तुम। जेलस नहीं हूं मैं, जेलस हो तुम कि ये हर एक सबका इलाज भी कर रही है अब। ओह माय गॉड, हट जाओ यहां से। गाइस मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टरी नहीं झाड़ रही हूँ। ये तो आपको कोई डाइटिशियन, मेरी डाइटिशियन ने मुझे, न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे बोला हुआ था सब्जा खाने को फॉर वेट लॉस। तो इसका एक बेनिफिट पता चला मुझे भाभी से कल कि यूरिन और किडनी वगैरह की प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। तो वही आपको बता रही हूँ इसमें डॉक्टरी के, आपको खाना खाओ नहीं खाना तो मत खाओ, ऐश करो, इन्जॉय द यूटीआई लाइक योर जीजू। अच्छा दोपहर के लिए तो मैंने सफेद छोले बना रखे हैं, तो सफ़ेद छोले के साथ मैं चपाती बना के आपके जीरू को चक्का डालूंगी। और पापा घर पे होते नहीं हैं दोपहर को, अगर होंगे तो वो भी छोले खा लेंगे शौक से। और मम्मी को मैं दूंगी गोभी का पराठा। घंटी बज रही है, मेरा कोरियर होगा। अपना ही शॉट देख रही हूँ मैं, क्या है मोहित? अरे कोरियर आया है ये। हाँ मेरा है, हाँ। दे दो। अमेज़न वाले जितने लड़के हैं ना सब जानते हैं मैडम को, और मुझे भी पहचानने लगे अब तो। सर आप उनके हस्बैंड हैं? उन्होंने कहा जी। पिंजी 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 अमेज़न वाले अवार्ड देने वाले हैं इनको। इतने कोरियर आते हैं हमारे घर में। हाँ जेफ आता है मेरे घर पे। हाँ जेफ बेज़ोस वो भी आता है। हाँ आता है वो, देखा है तुमने गाना बनाया उसने। और वो हमारा ये गत्ते बेच बेच के हमारे काम वाले अमीर हो गए हैं। इतने गत्ते बेच दिए उन्होंने। तो क्या जा रहा है तुम्हारा, किसी को कुछ मिल रहा है तो गत्ते बेच के। देखो क्या आया गाइस, रुको गाइस, कोरियर में मेरा नेल पेंट रिमूवर आ गया। कितने दिन से मैं नेल पेंट उतारना चाह रही थी, इसके ऊपर ही लगाना पड़ रहा था मुझे बार बार, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने कलर बार का मंगाया है अल्टीमेट नेल इनामल रिमूवर, एसीटोन फ्री वाला ही मंगाती हूँ मैं, जिसमें एसीटोन ना हो, नहीं तो नेल्स बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। डार्क चॉकलेट फ्लेवर, यस। अभी उतारती हूँ, नेल पेंट चेंज करती हूँ आज मैं। गाइस विद इन जस्ट 5 seconds नेल पेंट रिमूव्ड, फिंगर डालो ट्विस्ट करो एंड नेल पेंट रिमूव्ड, यस। गाइस मेरा शोना आ गया है स्कूल से, मुंह भी धो लिया इसने, कुछ कुछ कुछ। इनकी सासू माँ का सोना भी आ गया लेके। सासू माँ का सोना? मैं? ओह माय गॉड, ये आते ही वस्त्रहीन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों इतने स्मार्ट लग रहे थे अभी जब आए थे, ये वस्त्रहीन ही कहलाता है। तुम्हारा कैमरा शेक करने लगता है जब मैं बहुत स्मार्ट लगता जी। नहीं तुम अपना टी शर्ट पहना हुआ था, टोपी लगाई हुई थी, मस्त लग रहे थे पापा, अभी देख ले सब उतर गया। अभी मैं ढोल दिखा रहा हूँ। ढोल ढोले 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 ढोल, ये रहे। अगर मैं उनकी मुंडी लेती हूँ तो मेरी नहीं आती, मेरी लेती हूँ तो उनकी कट जाती है। हाँ मेरी तो कटे जाएगी। हाँ फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ डिनर। डिनर में मैंने रखी है मूंगी साबत दाल ग्रीन वाली, तो तड़का लगा के दाल रख दी है। अब इसको चढ़ा दूंगी मैं विसल के लिए, और मुझे कुछ वीडियो बनाना है के लिए मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, कुछ नया ट्राई कर रही हूँ गाइस, लेट्स सी क्या होता है।